हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव यादव, हार्ट ऑन स्किल सेंटर नियर जाट कॉलेज हिसार। तो हमारा टॉपिक सी लैंग्वेज चल रहा है। तो सी लैंग्वेज के अंदर हमने चार लेक्चर अभी तक पढ़ लिए हैं। तो पांचवें लेक्चर में भी हम सिंपल प्रोग्राम्स के बारे में ही सीखेंगे। मैंने चार प्रोग्राम्स ऐसे नोट किए हैं जो आपको आज बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वो चार प्रोग्राम कौन कौन से हैं वो देखो कि आपके पास नंबर वन है, इसके अंदर है राइट ए प्रोग्राम इंटर वैल्यू इज ए किलोमीटर एंड कन्वर्ट इन टू मीटर फिट, इंच में आपको कन्वर्ट करना है सी लैंग्वेज के थ्रू। यानी कि आप कोई भी वैल्यू डालोगे वो किलोमीटर पे डाल दिया, मतलब 5 किलोमीटर आपने एंटर करवा दिया। अब 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, कितने फिट होते हैं, कितने इंच होते हैं, ये आपको प्रोग्राम के थ्रू समझाऊंगा मैं। फिर उसके बाद आता है आपके पास कि राइट ए प्रोग्राम एंटर एनी पॉजिटिव वैल्यू। आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डालोगे यानी कि प्लस में डालोगे, वो वैल्यू नेगेटिव हो जानी चाहिए। मतलब आपने 5 डाल दिया ना, तो -5 आपको दिखना चाहिए। ठीक है, अगला प्रोग्राम है इसके अंदर राइट ए प्रोग्राम एंटर एम्प्लॉय बेसिक सैलरी। आपको बेसिक सैलरी जाननी डालनी है, उसमें से HRA 12% रहेगा, DA 10% रहेगा और आपको कैलकुलेट करनी है ग्रोथ सैलरी। चौथा प्रोग्राम ये रहेगा कि राइट ए प्रोग्राम एंड टू नंबर्स स्वेप द नंबर विद थर्ड वेरिएबल एंड विदाउट थर्ड वेरिएबल। विद थर्ड वेरिएबल तो शायद हमने करके कल देख लिया था, बट विदाउट थर्ड वेरिएबल हम कैसे करेंगे वो चीज़ आप आज देखेंगे इसके अंदर। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है किलोमीटर कन्वर्ट इन टू मीटर फिट इंच। तो इस पहले क्वेश्चन के ऊपर हम कैसे काम करेंगे वो देखो। अपन यहाँ से कोड ब्लॉक ऑन कर लिया, अब इस पर काम करते हैं। ओके, तो भाई अपन की कर रहा, पहले वही लिख दो हेडर फाइल हैश इंक्लूड कॉनियो डॉट एच हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ठीक है, मेन फंक्शन आपने स्टार्ट कर दिया। अब जो प्रोग्राम किलोमीटर फिट इंच का है तो उसी से रिलेटेड अपन वेरिएबल लेने हैं। वेरिएबल का काम होता है डाटा का स्टोर करवाना। ठीक है, वैल्यू को स्टोर करवाना। तो अपने वैल्यू लेनी है इंटीजर के अंदर। इंटीजर में किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर फिट इंच। ये आपके पास क्या रहेंगे, वेरिएबल के नाम रहेंगे किलोमीटर फिट मीटर इंच। क्लियर। उसके बाद आपने क्या किया, यहां पे आपने प्रिंट अप में लिख दिया एंटर ए की वैल्यू करवानी है किलोमीटर वाले, ताकि वो कन्वर्ट कर दे मीटर फिट इंच में अपने यहां पर। आपने लिखा एंटर वैल्यू एज ए किलोमीटर वैल्यू एज ए किलोमीटर आपने लिख दिया यहां पे। ठीक है, किलोमीटर, ठीक है आपने लिख दिया। उसके बाद आएगा यहां पे स्कैन मोरलडी मोरलडी के बाद एम्परसेंट, जो एड्रेस स्टोर कौन से एड्रेस पे कौन सी वैल्यू लेके जाएगा ये काम करेगा। अब आता है आपके पास लॉजिकल बात कि आपको लॉजिक क्या लगाना है। तो लॉजिक हमारा ये होना चाहिए कि जैसे मैं किलोमीटर डालूंगा, देखो रन करते हैं, सेव कर दिया, रन करें तो रन करने के बाद रिजल्ट मिला एंटर वैल्यू एज ए किलोमीटर। आपने बोला 5 किलोमीटर। अब 5 किलोमीटर के अपने आप ही कैलकुलेशन हो जानी चाहिए मीटर फिट इंच। ठीक है, तो हमें सबसे पहले मीटर कन्वर्ट करवाना है, तो मीटर इक्वल टू किलोमीटर गुणा में 1000। ठीक है, 1000 आपने लिख दिया, यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो वो क्या करेगा, 5 किलोमीटर डाल 5 गुणा में 1000, 5000 मीटर आ जाएगा। फिर फिट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एफ इक्वल टू मीटर कितना होता है, 1 मीटर मान के चलेगा, 1 मीटर में 3.2 मान के चलते हैं आप, क्या होते हैं फिट होते हैं। ठीक है, 3.2 फिट होते हैं किस में, 1 मीटर के अंदर, ये मान के चलते हैं आप, या 3 मान लो आपकी मर्जी है। फिर उसके बाद आता है आपके पास यहाँ पे इंच। इंच यानी कि आई इक्वल टू 1 फिट में 12 इंच होते हैं। तो ये देखो आपको कन्वर्ट कर दिया। अब आपको ये चीज प्रिंट करवानी है वापस अपन, तो प्रिंट अप में गए, आपने क्या किया यहां पे किलोमीटर
इंच मॉडलर डी, आप अलग अलग ही प्रिंट करवाएंगे सारे, किलोमीटर, ठीक है। प्रिंटर में गए, ठीक है, सिलेक्शन लगा दो ताकि नेक्स्ट लाइन में आए, मीटरेज, ठीक है, मॉडलर डी, और यहाँ पे था एम हमारे पास। फिर प्रिंट ऑफ कर दो, सिलेक्शन जरूरी है, फिट फिट एज मॉडलर डी, मॉडलर डी आपको पता है इंटीजर यूज कर रहे हैं इसलिए हमें ये चाहिए। फिर प्रिंट ऑफ कर दिया आपने सिलेक्शन, ये सारी लाइनें चार लाइनें बनाई, इसकी जगह आप एक भी बना सकते हो, बट ये अभी आपको कंफर्टेबल लगेगा। इंचेज इज मॉडलर डी और आई, ठीक है भाई। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया आपने किलोमीटर फीट इंच का, तो चलो देखते हैं आपा ये कैसे काम कर रहा है। आपने रन किया, चलो आपने बोला 6 किलोमीटर दूर की बात बताओ, 6 किलोमीटर में कितने फीट, कितने मीटर कितने इंच होते हैं, तो आपको ये सारी कहानी बता देगा। ये देखो 6 किलोमीटर में 6000 मीटर होते हैं, 19200 फीट होते हैं और 230400 इंचेज होते हैं। तो आपको इसने सारी कहानी बता दी है, कन्वर्ट करके दे दिया है, एक ये छोटा सा प्रोग्राम है, ये आप नोट कीजिए पूरा का पूरा और इसकी प्रैक्टिस करनी है। पहला क्वेश्चन हो गया अपना आज का। आया क्या समझ में? ओके, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, आप कांटेक्ट कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा क्या था, यहाँ पे देखें तो एंटर द पॉजिटिव वैल्यू डालनी है, नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, प्रोग्रामिंग है आपके, लॉजिक की बात होती है सारी की सारी, तो लॉजिक कैसे अप्लाई करेंगे वो आपको देखना है, क्या सोच सकते हो, कितना सोच सकते हो इसके अंदर, वो आपको देखना है। तो उसके लिए आप नेक्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं, छोटा सा ही प्रोग्राम बनेगा, बिल्कुल समझने की कोशिश करना। भाई मान लीजिए मैंने पॉजिटिव में नो लिख दिया, जब नो लिखने के बाद एंटर करूँ ना तो माइनस नो आने चाहिए, सीधी सी बात ये है, समझ गए होंगे, ठीक है। तो कैसे आएगा वो देखो, अब अपन क्या किया यहाँ पे, प्रिंटअप में यानी कि इंटीजर में एक ले लिया अपने नंबर, कोई भी नंबर ले लिया, ठीक है, नंबर, इसको अपन ने क्या करवा दिया यहाँ पे, प्रिंट करवा दिया, एंटर एनी पॉजिटिव नंबर, क्लियर, कोई भी पॉजिटिव नंबर आपने एंटर करवा दिया यहाँ पे, ठीक है, पॉजिटिव नंबर आपने यहाँ पे एंटर करवा दिया। उसके बाद करना क्या है आपने, उसके बाद स्कैनअप में जाओ, मॉडलर डी और नंबर है उसको स्कैन करवा दिया। अब आप देखोगे यहाँ पे, तो आप देखोगे ना यहाँ से आप, तो आप कोई भी नंबर डाल सकते हो, ये देखो, ठीक है। अब इस नंबर को आपने नेगेटिव करना है, कहने का मतलब तो यही है। तो आपने क्या किया यहाँ पे, जस्ट नंबर को माइनस करके छोड़ देंगे आप, और भी वो तरीकियां, गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, जो भी है आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, सिंपल सा मेथड। फिर आपने प्रिंट अप कर दिया, पहले तो यहाँ पे आप इसको फॉर्मूला लगाने से पहले यहाँ पर क्या करते हैं, प्रिंट करवाते हैं, पॉजिटिव नंबर इज मॉडलर डी, एक सिंपल सा एग्जांपल है नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद वो नेगेटिव हो गया, ठीक है, सिलेक्शन कर दिया, नेगेटिव नंबर इज मॉडलर डी और नंबर, ये एक छोटा सा प्रोग्राम था, ये बना दिया आपने, ये लो। अब ये बोल रहा है पॉजिटिव डाल, पॉजिटिव वैल्यू डाली, पॉजिटिव नंबर तो ये है और नेगेटिव नंबर ये देखो, पॉजिटिव नंबर इज दिस, नेगेटिव नंबर इज दिस, एंटर कर दो। तो ये भी एक छोटा सा लॉजिकल प्रोग्राम है आपके पास, तो आप ये भी कर सकते हो, तो इसको आप नोट डाउन करो। चलो आपने इसको नोट कर लिया,
अब नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है हमारे पास, यहाँ पे 12% निकालना, 10% निकालना बेसिक सैलरी में से। तो अगला प्रोग्राम करते हैं आप ये वाला, तो इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। तो अपन उस हिसाब से क्या लेना पड़ेगा, इसके डाटा टाइप्स और अपन वेरिएबल लेने पड़ेंगे। इंटीजर में बेसिक सैलरी कॉमा HRA कॉमा DA कॉमा ग्रोस सैलरी के लिए GS, ठीक है। प्रिंटअप में लिख दिया आपने, एंटर बेसिक सैलरी आपने लिखा, इनपुट करवाना है स्कैनफ आप यूज करते हो, आपको पता चल गया, गुड बेसिक सैलरी, ठीक है, आपने बेसिक सैलरी यहाँ पे लिख दिया। अच्छा अरे 10% फिक्स है और वो चेक कर लेते हैं, चलो अच्छा अरे 12% फिक्स है और 10% है डीए आपका, ठीक है। तो आपा ने क्या किया यहाँ पे एचआरए निकालना है ना, एचआरए इक्वल टू, ठीक है, बेसिक सैलरी को गुणा कर दे कितने से, 12 से, और डिवाइड कर दे 100 से, तो क्या निकल गया, एचआरए 12% आ गया, ठीक है। फिर आपने डीए लिया इक्वल टू बेसिक सैलरी गुणा में 10% था, 10 लिख दिया, ठीक है, डिवाइड बाय 100 लिख दिया, ये डी आ गया। अब आपको करना क्या है, ग्रोथ सैलरी निकालना है, तो ग्रोथ सैलरी का मतलब सारे प्लस हो जाएंगे, जीएस इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस में एचआरए प्लस में डीए, ठीक है, आ गया। अब काम रह गया एक, बस अपना इसको प्रिंट करवाना, वो कैसे होगा वो देखो, प्रिंट ऑफ बेसिक सैलरी इज मॉड्यूलर डी कॉमा बेसिक सैलरी, ठीक है। फिर आपने प्रिंट ऑफ लिखा, सलेशन लगाना जरूरी है, एच आर ए 12% इज मॉड्यूलर डी, और यहाँ पे एचआरए आपके पास आ गया, ठीक है। ऐसे ही मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, डीए 10% है, 10%, और यहाँ पे डीए आपके पास आ गया, बचा एक ग्रोथ सैलरी, ग्रोस सैलरी इज जीएस, ठीक है। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम अपन ने बनाया है और यूजफुल प्रोग्राम है, तो कैसे काम करेगा वो देखो, बेसिक सैलरी आपने डाल दी 5000, ठीक है। अब 5000 का बेसिक सैलरी है ना, तो 12% निकाला, कितना निकल गया 600 रुपये, ठीक है। डीए कितना निकल गया 500 रुपये, ठीक है, 10% था, और ग्रोथ सैलरी क्या आ गई आपके पास 6100 रुपये, तो ये वैल्यूज आपके पास सारी की सारी आ चुकी है, ठीक है। परसेंटेज हटा दो यहाँ से, क्योंकि वो दिखा नहीं रहे यहाँ पे, परसेंटेज की वजह से वो वैल्यू अजीब सी दिख रही है आपको, क्योंकि परसेंटेज का लॉजिक होता है ना इसमें, ये देखो अब आपको सही दिख रहा है बिल्कुल। आपने 34444 डाला बेसिक सैलरी, 4133 आपको मिल गया 12%, 3434 मिल गया आपको, 3444 मिल गया आपको 10%, और दोनों को मिला के ग्रोथ सैलरी बन गई आपके पास 42021 रुपये। तो ये होता है भाई आपके पास यहाँ पे ग्रोथ सैलरी, आपको एचआरए डीए सब निकालने का तरीका ये रहेगा इसमें, ठीक है। ग्रोथ सैलरी कैसे निकालनी है आपको, डीए कैसे निकालना है, एचआरए कैसे निकालना है, तो वो आपका सारा का सारा इसमें रहेगा, ठीक है। तो ये भी नोट कर लीजिए आप, प्रोग्राम छोटा सा प्रोग्राम बनाया आपने, ये नोट कर लो। चलो तीन प्रोग्राम हो गए, चौथा क्वेश्चन आपको खुद के लिए दे रहा हूं मैं,
ताकि आप भी प्रैक्टिस करो, अगर प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना, मैसेज कर देना, कमेंट कर देना कि हमें विदाउट थर्ड वेरिएबल के थ्रू कैसे स्वैप करवाना है, वो पूछ सकते हो आप। थर्ड वेरिएबल के साथ तो हमने करके देख लिया था, विदाउट की बात करें तो आप पूछ लेना। और आप इसको प्रैक्टिकली करके देखना, जो मैंने 3 क्वेश्चन तो करवा दिए मैंने, ये प्रैक्टिकल करके देख लेना, इसमें अपना दिमाग लगाना, लॉजिक लगाना कि आप किस तरीके से काम कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग रटाने से नहीं आएगी, खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत से आएगी, ठीक है। उसके बारे में सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, तब आप इस चीज़ को अच्छे से कर पाओगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये नोट कर लेना, तीनों प्रोग्राम आपको बता दिए, उनकी प्रैक्टिकल करके देख लेना। चौथा है स्वैपिंग वाला विदाउट थर्ड वेरिएबल, ठीक है, और विद थर्ड वेरिएबल हमने करके देख लिया था, विदाउट वाला आपको प्रैक्टिस करना है। तो आज के लिए इसमें इतना ही, ओके स्टूडेंट्स।